मुख्तार अंसारी के मामले को लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान एक्शन में हैं। उन्होंने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह के अलावा पूर्व जेल मंत्री और कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा को रिकवरी का नोटिस जारी। मुख्तार अंसारी के मामले को लेकर अप्रैल 2021 में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसे लेकर कोर्ट के नामी वकील के बिलों का ब्यौरा जारी किया है। इसे लेकर राजनीति शुरू हो गई है। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम भगवंत मान को चैलेंज किया। ट्विटर जो है ना, उसका नोटिस उसके ऊपर आ जाना चाहिए। उसको मैं हाई कोर्ट में भी और लोअर कोर्ट में दोनों में जवाब दूंगा। जिस का पेमेंट ही नहीं हुई तो वो कहता मैं पेंशन रोक दूंगा। ओ भाई, मैं तो प्रेजेंट एमएलए हूँ, मेरे को सैलरी मिलती है, पेंशन नहीं। जिससे मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि पेंशन ले रहा है कि तनख्वाह ले रहा है। ये पूरा मामला है 2021 का, जब रंगदारी के एक मामले की जांच करने के लिए नहीं थकावट नहीं है, फॉल पचा उजली चमकदार, एसिडिटी पिंपल सिर दर्द पे है, तन्विषता असरदार, तन्विषता टैबलेट्स। पंजाब पुलिस मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश से पंजाब लेकर आई। एक बिल्डर ने आरोप लगाया था कि मुख्तार अंसारी ने फोन पर उससे रंगदारी वसूलने के लिए धमकी दी। मुख्तार अंसारी को प्रोडक्शन वारंट पर उत्तर प्रदेश से लाने के बाद पंजाब की रोपड़ जेल में रखा गया था। कॉमन सिविल कोड को लेकर मंथन जारी है और कल बीएसपी सांसद ने इस मसले को लेकर पार्टी की बैठक भी की है, समन्वय पर जोर दिया। हालांकि कई मुस्लिम संगठन अभी भी इसके विरोध में है। अलीगढ़ आए उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशरफ सैफी ने कॉमन सिविल कोड के विरोध को राजनीतिक करार दिया। उन्होंने कहा कि कॉमन सिविल कोड इस देश की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, उन्नति के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि पहले इसका ड्राफ्ट तैयार होने दीजिए। कॉमन सिविल कोड में किसी प्रकार से कोई धार्मिक रूप से पाबंदी या छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। आप रोजा है, नमाज है, हज है, जकात है, जो भी आपके इस्लामिक रूप से जिनकी प्रक्रिया आप करते रहे हैं, पूजा पद्धति आपकी जो भी है, जिस समाज की भी हो, सभी के लिए बराबर है और उसमें किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं है। इधर कल यूसीसी को लेकर सांसद बीएसपी मलुक नागर ने 2 घंटे तक बैठक की। उन्होंने कहा कि सभी लोगों के मन में इसे लेकर जो डर है, उसे जल्दी खत्म करना चाहिए। जबकि बरेली के मौलाना अब भी कह रहे हैं कि इससे सामाजिक ताना बाना बिगड़ जाएगा। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने इस पर कहा कि इस देश की महिलाएं समानता और न्याय की हकदार हैं, चाहे वे किसी भी धर्म की हों।